नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीवीव टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के दी मोस्ट पॉपुलर शो दुर्गा की। गाइस, सीरियल दुर्गा की कहानी में वाकई में जब से राजेश की मौत हुई है, तब से दुर्गा और अनुराग के अंदर एक अजब सा साहस देखने को मिल रहा है, एक अजब सी हिम्मत देखने को मिल रही है दोनों के अंदर, जो अपने परिवार में आवाज़ उठाने के काबिल हो चुके हैं। ऐसे में दुर्गा के लिए हर एक मोड़ पर, हर एक रास्ते पर अनुराग उठा रहा है आवाज़ और खड़ा हो रहा है अपने घर वालों के खिलाफ। इसी बीच अब दुर्गा की माँ का सवाल है और ऐसे में अनुराग देना चाहता है दुर्गा का साथ उसको उसकी माँ से मिलवाने में, और उसकी माँ को ढूंढकर वापस इसी हवेली में रखना चाहता है, जिस बात को लेकर विक्रम और अनुराग के बीच काफी गहमा गहमी होने वाली है, क्योंकि माधव काका को सच्चाई पता चलने वाली है कि कहां पर कैद है दुर्गा की माँ, लेकिन वहां से विक्रम ने उसे कहीं और छिपा दिया है। तो अनुराग कर रहा है अपने पापा से सवाल, जिस पर आ जाता है विक्रम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा अनुराग पर, और फिर ना आगे देखते हैं विक्रम ना पीछे, और जड़ देते हैं अनुराग के गालों पर जोरदार तमाचा, जिस तमाचे की वजह से अनुराग और भी ज्यादा एग्रेशन में आ जाता है और दुर्गा और बाकी घर वालों को बहुत ही जोर का झटका लगता है कि तभी पानी बाई जो है इन सब का जिम्मेदार दुर्गा को ठहराती नजर आती है। दुर्गा को ब्लेम करती है, उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि आज इस कस्बे वाली, इस कबीले वाले की वजह से, इस क्या बोलते हैं, इस दुर्गा की वजह से दोनों बाप बेटों के बीच दरार पड़ रही है, ये जो है ना बहुत ही घटिया लड़की है, वगैरह वगैरह। अनुराग को इस पर भी गुस्सा आता है और वो पानी बाई पर अपना सारा गुस्सा उतारने लगता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या ये सब देखने के बाद दुर्गा अनुराग को अपने मामलों से दूर रखकर खुद ही अकेले अपनी लड़ाई लड़ेगी अपनी माँ को ढूंढने की, या फिर अनुराग का साथ लेकर वो पहुंच जाएगी अपनी माँ तक। क्या कहना है आपका इस आगे आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा।